परवेज इलाही सरकार को बचाने के लिए नई चाल, पंजाब असेंबली का 100 रोजा तवील तरीन इजलास जारी। हुकूमत को अपोजिशन के नए एजेंडे का खौफ, असेंबली के नॉन स्टॉप इजलास में अदम एतमाद नहीं ला जा सकती। गवर्नर एतमाद का वोट लेने को भी नहीं कह सकते, पंजाब हुकूमत सिर्फ 8 वोटों पर टिकी है। सौ रोज में गरीब आवाम के 1 अरब रुपए का कबाड़ा, पंजाब असेंबली के इजलास का एक दिन का खर्चा 1 करोड़ है। हर रुकने असेंबली की महाना तनख्वाह 2,40,000 रुपए, सफराना दफ्तराना और दीगर अलाउंस की मद में औसतन रोजाना 6,000 रुपए वसूल। कौम का पैसा बेरहमी से उड़ाया जा रहा है। लाहौर से सोतेलू जैसा सलूक, महकमा हाउसिंग के 10 मंसूबों के लिए फंड्स मुस्तरद। महकमा हाउसिंग ने 1,93,00,000,00,000 की डिमांड की, हैवानी वजीर आला ने सभी मुस्तरद कर दी। रोड सेक्टर निकासी आपके मंसूबे मुकम्मल होना थे। वजीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इजलास के लिए अरबों रुपए निसार, तरक्याती बजट में 50 अरब का मजीद इजाफा। परवेज इलाही के शहर गुजरात को 40 अरब का इजाफी बजट मिलेगा। मोहम्मद खान भट्टी के जिला मंडी बहाउद्दीन को 10 अरब की इजाफी सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाएगी। हुकूमत पंजाब और गवर्नर हाउस में ठन गई। गवर्नर पंजाब को लोकल गवर्नमेंट बिल 2021 पर तहफुजात। इलेक्शन एक्ट 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीकाकार का जिक्र नहीं। लोकल गवर्नमेंट की तादाद 46 से बढ़ाकर 2 गुना करें। मलिकुर रहमान ने बिल वापस पंजाब असेंबली को भेज दिया। पुलिस में तायुनाती के लिए सियासी असर रसूख, 5 माह में IG से SHO तक 3600 अफसरान के तबादले। पंजाब के 720 थानों में 2900 SHO तब्दील हुए। लाहौर के तमाम सर्कल्स के DSP बदल गए। CCPO लाहौर, DIG, RPOs भी तब्दील हो गए। डॉल्फिन स्क्वाड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। फोर्स की 25% हैवी बाइक्स ऑफ रोड हो गई। फंड्स की कमी और अफसरान की अदम तवज्जो के बायस 132 मोटरसाइकिल ऑफ रोड हो गई। मुतअद्दिद के इंजन और स्पेयर पार्ट्स दरकार हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बाइक्स की मरम्मत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अक्टूबर बरोज इतवार को होगी। चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। लाहौर में जुनून कमेटी का इजलास हुआ। DGO का डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना इसहाक साकी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। लाहौरियों के लिए मजीद मुश्किलात, ट्यूबवेल चलाने के औकात में कमी पर गौर। माली बहरान का शिकार वासा बिजली के बिलों से परेशान। जुलाई में 55 करोड़, अगस्त में 98 करोड़ बिल आ गया, 10 अरब रुपए का खसारा। MD गुफ्तान अहमद ने हाथ खड़े कर दिए, वासा को खुद मुख्तार एजेंसी बनाने का मुतालबा। लाहौर पार्किंग कंपनी तबाही के दहाने पर कैसे पहुंची? 8 करोड़ कौन डकार गया? जाली स्लिप किसने बनवाई? कौन कौन मुलव्वस है? कंपनी के माली उमूर का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। आबिद मीर की ज़ेर सदारत कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। मुतफिका तौर पर बोर्ड की 3 कमेटियां कायम। की 13 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी। गुलशने रावी, रावी रोड, अनारकली में पानी की बोसीदा लाइनें तब्दील होंगी। मजंग, गुलबर्ग, पीको रोड, फरुखाबाद के मंसूबे भी शामिल हैं। कमिश्नर आमिर जान की जेर सदारत इजलास में कोट लखपत ड्रेन का मंसूबा मंजूर। जिना अस्पताल में 32 करोड़ से MRI मशीन नस्ब। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज गोहर एजाज ने इफ्तिताह किया। 90 दिन के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर को फाल करने का ऐलान। जिना अस्पताल में रोजाना 200 के करीब ऑपरेशन होंगे। गोहर एजाज ट्रस्ट फाउंडेशन मुफ्त अद्वियात देगा। डेंगू टेस्ट 90 रुपए में होगा। प्राइवेट लेबोरेटरीज के लिए एक ही कीमत मुकर्रर। SNI IgG टेस्ट की कीमत 1500 रुपए होगी। डेप्टी कमिश्नर लाहौर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। आज शहर में डेंगू के 33 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 247 मरीज जेरे इलाज है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाद ओपन मार्केट से भी आटा गायब।
ताजपुरा स्कीम धर्मपुरा जी रोड से मुंसलिक आबादियों की मकीन परेशान। फिरोजपुर रोड रहमानपुरा कोट लखपत वालों को भी सस्ते आटे की तलाश। पंजाब में 6 पुलिस अफसरान के 8 करोड़ तबादले। साजिद हुसैन SP एंटी रॉयड यूनिट तैनात। असद सरफराज SSP सर्वे स्पेशल ब्रांच मुकर्रर। सैयद नदीम अब्बास SSP हेडक्वार्टर एलीट फोर्स। रिजवान अहमद खान CTD और अब्दुल कयूम गोंदल SSP गुजरांवाला तैनात कर दिए गए। दाता दरबार पर आए अकीदत मंदों का नजराना। कैश बक्सों की बजाय कहां जाता है? मुलाजमीन जायरीन से कैसे पैसे बटोरते हैं? वीडियो सामने आ गई। हिस्सा ऊपर तक जाता है। अफसरान की पुष्पनाही का भी इंकशाफ। चोरों को साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। गुलामी की जंजीर तोड़े बगैर आप इकबाल के शाहीन नहीं बन सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का GCU में खिताब। आइंदा दिनों में मजीद ऑडियोज लीक होने का इंकशाफ। इमरान खान की दौरे लाहौर में वजीर आला पंजाब से भी मुलाकात। सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर पर बात। फैटीज होटल में उलमा कन्वेंशन से खिताब किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ताजी बरादरी के कन्वेंशन में भी शरीक हुए। इमरान खान की GCU में सियासी तकरीर। गवर्नर पंजाब ने नोटिस ले लिया। तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाने पर अफसोस का इजहार। मरियम नवाज में गम गुस्सा। कहा कि इल्म सीखने की जगह पर सियासी नफरत फैलाना जुर्म है। वाइस चांसलर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मफरूर इसहाक डार को खजाने की कुंजी दी जा रही है। इमरान खान ने सच कहा था, ये लोग पाकिस्तान सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यासीन राशिद के लफ्जी वार। कहा नवाज शरीफ आएंगे तो जेल जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का दौरा लाहौर। शायर सुलमान गिलानी के घर जाकर मुलाकात की। हाफिज जैनुल आबिदीन, हाफिज अब्दुल रहमान, काजी अब्दुल वदूद, बिलाल अहमद मीर भी मौजूद थे। मौसे के विलन स्टूडेंट बन गए। सेशन कोर्ट में पहली प्रोबेशन क्लास का आगाज। 6 माह में 2500 मुलजिमान को प्रोबेशन अफसर के पास भेजा जा चुका है। आए सब मिलकर सैलाब जदा भाइयों की इमदाद करें। हेड ऑफिस में सिटी न्यूज नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी। जनूबी पंजाब और सिंध के इलाके ताहाल मुतासर हैं। फसलें मकानात समेत सब कुछ बह गया। मुतासरीन को अद्वियात मच्छरदानियों और खेमों की अशद जरूरत है। सैलाब के बाद बीमारियों के बाद मीठा खान मस्तूर सजावल जुनेजो के मुतासरीन मलेरिया और डायरिया का शिकार। इब्तदाई तिबी सहूलियात मुहैया न होने पर मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। उधर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मलिक आमिर मोहम्मद खान का फोर्ट्रेस में इमदादी कैंप का दौरा। बताया 8000 टन अशिया मुतासरा इलाकों को भिजवाई जा चुकी है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का लम्ब यूनिवर्सिटी का दौरा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सनत से वाबस्ता शख्सियात से मुलाकात की। इलेक्ट्रिक रिक्शे की सैर भी की। अमरीकी सफीर अंदरून शहर भी गए। दिल्ली दरवाजा मस्जिद वजीर खान भी देखी। चौक की खूबसूरती को सराहा। MNA शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक का टाउनशिप का दौरा। कारकुनान से मुलाकात की। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान से मसाइल पर बातचीत। मियां सलीम इशफाक जट जमशेद जफर मिर्जा फैसल अब्दुल वकील जोया भी हमरा थे। पाक इंग्लैंड T20 टाकरा। कराची के बाद लाहौर में होगी चौकों और छक्कों की बहार। शायकीन बड़ा टाकरा देखने को बेताब हैं। 7 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर है। 5वां मैच 28 अक्टूबर को खेला जाएगा। खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक ले जाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम। CTO मुंतजिर मेहदी कहते हैं कि मैचेस के दौरान शहर की कोई सड़क बंद नहीं होगी।